नमस्कार, मेरा नाम पिंडु सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझी में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बैक टू बैक ना अब गाने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल हमेशा से गूंजता है कि भैया खेसारी लाल यादव का गाना जो है वो ठीक है, एग्रीमेंट में सारी चीज़ें हुई थी, फंसे हुए थे तो बड़े बड़े कंपनियों से गाने नहीं आ रहे थे। जैसे कि वेव म्यूज़िक की बात कर ले, वेव म्यूज़िक का गाना बड़ा गाना होता था, ट्रेंडिंग में जाता था वो गाने। सारे गामा का गाना भी ट्रेंडिंग में जाता था। तो जो गाने हैं वो आ रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन इंतज़ार रहता है भैया कि भाई जो बड़े चैनल हैं ना उनसे गाने क्यों नहीं आ रहे हैं। और इस कड़ी में इंतज़ार खेसारी लाल यादव का सबसे ज़्यादा अगर किसी गाने को लेकर हो रहा है तो वो हो रहा है सारे गामा हम भोजपुरी पर, कि भाई जब एग्रीमेंट खत्म हो गया तो सारे गामा हम भोजपुरी से क्यों नहीं गाना आ रहा है। इसको लेकर जो लोग भी सवाल पूछ रहे थे उन लोगों के लिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जानकारी ये है कि भैया देखिए, ये 100% श्योर है कि भैया जो एग्रीमेंट हुआ है ना उस पर मामला सुलह हो चुका है और खेसारी लाल यादव के जो गाने हैं ना वो सारे गामा हम भोजपुरी से आएंगे। ये 100% श्योर है, आप लोग इसको श्योर मानिए कि गाने आएंगे। अब आपने देखा होगा कि बैक टू बैक कई सारे गानों की शूटिंग हुई है, लेकिन जो सारे गामा के गाने हैं ना वो बहुत पहले शूट हो चुका है, ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि भाई इसी महीने के अंदर यानी कि सितंबर महीने के अंदर जो सारे गामा का गाना है ना वो रिलीज़ किया जा सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और वो गाना बहुत पहले शूट हो चुका था। अब इंतज़ार रहेगा क्योंकि इस चैनल का गाना बहुत बड़े लेवल का होता है, बड़े लेवल के साथ इस गाने का जो लिस्ट है ना वो ट्रेंडिंग का जलवा बिखेरता है। तो अब वहाँ भी लोगों का इंतज़ार है, अब इंतज़ार तो हमें भी एक भाई सारेगामा हमसे आए, अब इंतज़ार देखते हैं कब तक खत्म होता है। लेकिन ये 100% श्योर है कि गाना सारेगामा से आएगा और बहुत जल्द आएगा। बाकी बने रहिएगा चैनल के साथ, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।